ये 1599 में पेरिस का एक नए साल का दिन था। 100 साल के युद्ध के बाद फ्रांस में अब शांति का माहौल था और सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे। देखो हेनरी, बल्कि नॉटरी डाम कैथीड्रल की बेल्स भी खुश लग रही हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने जेनिविया, देखो तो हैप्पी बेल्स। ओहो, जरा देखो तो हेनरी, यकीन ही नहीं होता। शैतान का निशान है। क्या बकवास है, ये तो बर्थमार्क है और कुछ नहीं, पीढ़ियों से चला आ रहा है। चुड़ैल। जानते हो नवाब फ्रोलो, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं लोगों को फिर से हंसते हुए देखूंगा। सच में कभी नहीं। राजा हेनरी फोर के शासनकाल में लोगों में वैज्ञानिक उन्नति की उम्मीद भी जगने लगी। क्या हुआ फ्रोलो? अरे जश्न की तैयारी करो और ये सब उदासी छोड़ो, बस 2 ही घंटे बचे हैं, जाओ जाकर मस्ती करो तुम भी। खैर, खुशी के माहौल में भी कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें अभी भी एक समान नहीं समझा जाता था। वो लड़की महाराज, पक्का वो एक जिप्सी है। चाहे लोग, ये लोग अच्छे नहीं। अरे फ्रोलो, मुझे नहीं लगता कि वो बुरे लोग हैं, बल्कि मुझे तो वो लड़की बहुत अच्छी लगती है। अब तुम कहोगे कि धरती भी गोल नहीं बल्कि चपटी है। जी बिल्कुल महाराज, धरती भी गोल नहीं है। ओ फ्रोलो फ्रोलो, और मुझे लगता है कि चांद भी चीज से बना हुआ है। नहीं महाराज, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, बल्कि ये तो बना हुआ है नमक से। वाह क्या बात है, कितना खूबसूरत कर्तव्य है फ्रोलो, मजा आ रहा है। वो एक जिप्सी है महाराज, उसकी तरफ मत देखिए, वो आप पर जादू कर देगी। देर हो गई फ्रोलो, वो कर चुकी है और मैं उसमें फंस चुका हूँ, मैं उसके जाल में फंस चुका हूँ। लड़की इधर सुनो, नाम क्या है तुम्हारा? ओह, मेरा नाम एस्मेरल्डा है महाराज। आहा, बहुत प्यारा नाम है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। ये लो। ओह महाराज, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक आदमी अपनी आंखें कैसे बंद कर ले ऐसी खूबसूरती से? इसमें क्या अच्छा है?
कोई भी क्यों इस लड़की का दीवाना होगा। अरे ये तो क्वाज़िमोडो है, नोत्र डेम कैथेड्रल का बेल बजाने वाला। उसके पीछे चलो। वो किसी का क्या बिगाड़ लेगा। जल्दी आओ, पकड़ो उसे, जल्दी छोड़ना। जाने नहीं पाए, तेज छोड़ो, पकड़ो, पकड़ो, पकड़ो उसे, पकड़ो उसे, भाग ना पाए, जल्दी करो, जल्दी करो, सुनो क्वाज़िमोडो, एक शो हो जाए, हमारे लिए डांस करो। हाँ, गाना सुनाओ, डांस भी करो। हाँ, डांस करो। नहीं नहीं नहीं, गाना गाकर सुनाओ। इसे कुछ भी नहीं आता। अरे वो देखो कितना अच्छा डांस कर रहा है। क्या कर रहा है ये? क्या बात है, आज से इसका नाम है जोकरों का राजा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा किया इसने। जोकरों का राजा। क्वाज़िमोडो के लिए तालियां हो जाए। जोकरों का राजा। हुर्रे हुर्रे हुर्रे। आओ जोकरों के राजा, हमारे साथ डांस करो। क्वाज़िमोडो, मैं इस बेवकूफ का गार्डियन, इसकी हिम्मत कैसे हुई फिर से लोगों के बीच मेरा मजाक बनाने की? तुम्हें क्या चाहिए जिप्सी? तुम यहाँ महाराज को नुकसान पहुंचाने आई हो? नहीं, मुझे जाने दो, मैं बस अपने लोगों के लिए कुछ यहाँ मांगने आई हूँ। हम बहुत गरीब हैं और तुम लोग चोर और खूनी हो, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। नहीं, ए, वापस नहीं। आओ चोर कहीं की, वापस आओ। बचाओ, बचाओ, बचाओ। ये हमारी कैदी है पादरी, ये यहाँ राजा को मारने आई थी। सच में? वो भी एकदम खाली हाथ से, इसके हाथ में तो हथियार भी नहीं है। ये एक जिप्सी है। थू। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये खूनी है। तुम मेरे साथ अंदर आ जाओ, अब तुम इस कैथेड्रल की शरण में हो। जाओ, ये परमेश्वर का घर है, तुम्हें इसके अंदर आने का कोई हक नहीं। मैं पादरी जॉन पॉल और मैं इस चर्च में ही रहता हूँ। ओह, शुक्रिया, शुक्रिया। मैं हूँ एस्मेरल्डा। तुम यहाँ सुरक्षित हो, क्वाज़िमोडो, वो बेल बजाने वाला तुम्हारा ख्याल रखेगा। क्वाज़िमोडो की शिकायत लेकर आया हूँ महाराज, उसे सजा मिलनी चाहिए, बहुत बड़ी। उसे सबक सिखाइए। लेकिन उसका जुर्म क्या है फ्रोलो?
वो गलियों में घूमता रहता है अपना मजाक उड़वाते हुए। मैंने उसे कैथेड्रल से बाहर जाने के लिए मना किया हुआ है ताकि वो लोगों के सामने ना आए। पर इस नए साल के मौके पर वो बेचारा थोड़ी मस्ती कर सकता है। नहीं, वो बदसूरत है, लोग उसे देखकर उसका मजाक बनाते हैं। उसे अंदर ही रहना चाहिए, इसी में उसकी भलाई है महाराज। नहीं नहीं नहीं, मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा फ्रोलो। तुम तो उसके गार्डियन हो, बल्कि तुम्हें उसका ख्याल रखना चाहिए। तुम तो बहुत सख्ती दिखा रहे हो। पर महाराज सुनिए तो। यही मेरा आखिरी फैसला है, अब तुम जा सकते हो फ्रोलो। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Happy New Year! Happy New Year! सबको नया साल मुबारक हो! हैप्पी न्यू ईयर एस्मेराल्डा, नए वक्त की शुरुआत हो चुकी है। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। इन दिनों हमारे लोगों को यहाँ आने की इजाजत नहीं है, हम बहिष्कृत हैं। हाँ मैं जानता हूँ, हमें प्रार्थना करनी चाहिए, शायद वक्त बदल जाए, और परमेश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने तुम्हें यहाँ शरण दी। प्रार्थना? मैं जिप्सी हूँ, मुझे नहीं पता ये कैसे करते हैं। मैं बताता हूँ, ये देखो, तुम यहाँ इस तरह बैठो, अपनी आंखें बंद करो और अपने दिल में जो कुछ भी है वो परमेश्वर से कहो। रुको रुको, ये सब बंद करो, परमेश्वर की निंदा। ये अब चर्च में आएंगे, ये परमेश्वर की निंदा है। लड़की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, बोलो चुड़ैल कहीं के? तुम वो चुड़ैल हो जो अपनी खूबसूरती से लोगों के दिलों पर कब्जा कर लेती हो, फिर अपने जाल में फंसाकर उन्हें पागल बना देती हो। ये सच नहीं है। सभी लोगों की भलाई के लिए तुम्हें जिंदा जला देना चाहिए, मेरे लिए, तुम्हारी भलाई के लिए। बस करो नवाब फ्रोलो, तुम परमेश्वर के घर में खड़े होकर इस तरह बात नहीं कर सकते। एस्मेराल्डा, तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो। वापस आ जाओ, क्वाज़ीमोडो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। क्वाज़ीमोडो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, कुछ नहीं करेगा। वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। रुको, मैं कुछ नहीं करूंगा, वापस आ जाओ। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। क्वाज़ीमोडो कुछ नहीं कहेगा, क्वाज़ीमोडो तुम्हारा दोस्त है, चलो। ओह
उसे नीचे उतारो। इसे जेल में लेकर जाओ और बंद कर दो। इसे अपहरण के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। तुम्हें चोट तो नहीं लगी? नहीं, शुक्रिया आपका। क्या तुम्हारी खूबसूरती हमेशा ऐसा जादू करती है कि लोग तुम्हें अपने पास रखना चाहते हैं? नहीं, बल्कि उल्टा है। कुछ लोग डर जाते हैं, उन्हें लगता है मैं चुड़ैल हूँ। चुड़ैल? वो तो हो नहीं सकता, तुम्हें देखकर नहीं लगता। वैसे मुझे अपने ऑफिसर्स के साथ वापस जाना होगा। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम एस्मेराल्डा है। और मेरा नाम फीबस है। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा एस्मेराल्डा। मैं तुमसे दोबारा मिलना चाहूंगा, लेकिन किसी बेहतर जगह पर। हाँ, बेहतर जगह पर जरूर मिलेंगे। मुझे भी अब जाना होगा अपने लोगों को ढूंढने। फिर मिलेंगे फीबस। अगर तुम्हें जब भी मेरी जरूरत पड़े तो मैं हमेशा तुम्हारी सेवा में हाजिर रहूंगा। फिर मिलते हैं एस्मेराल्डा। फीबस, यही नाम था ना उसका? लगता है मुझे प्यार हो गया है। काजीमोडो कुछ नहीं कहता। हाँ, काजीमोडो दोस्त है। तुम्हारा मतलब है कि उस कुबड़ ने खूबसूरत जिप्सी लड़की का अपहरण किया? जी, सच में वो जिप्सी लड़की ही थी। क्या वो इतनी लंबी थी? जी हाँ हाँ। और क्या उसकी आंखें रात में चमकते हुए तारों से भी ज्यादा खूबसूरत और चमकदार थी? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं जनाब। तो फिर तुमने उसे भी गिरफ्तार किया होगा, उसे भी सजा मिलेगी। नहीं, किस लिए साहब? क्योंकि वो जिप्सी एक चुड़ैल है और वो मुझ जैसे अच्छे इंसानों को अपने जाल में फंसा रही है। पूरा शहर ढूंढो, पेरिस में हर जिप्सी औरत को बंद कर दो जब तक वो ना मिल जाए। ये मेरा हुक्म है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लाओ लाओ लाओ, तुम भी लो। अच्छा है ना? अच्छा, तो तुमने हमारी हालत के बारे में राजा साहब से बात करने की कोशिश की है एस्मेराल्डा? हाँ क्लॉपिन, और उसी वजह से मैं मुसीबत में पड़ गई। क्लॉपिन जिप्सियों का राजा, हम जैसे गरीब लोगों का क्या होगा? हम जहाँ भी जाते हैं हमें गलत ही समझा जाता है बस। ये क्या? नहीं, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। यहाँ बैठी सभी औरतों को बंदी बनाया जाता है। नहीं नहीं नहीं, ये क्या हो सकता? हमने किया क्या है? हाँ तो बात यह है गार्ड, कि तुमने मुलजिम को एक जिप्सी लड़की को उठाकर ले जाते हुए पकड़ा है। हाँ जी। और वो जिप्सी लड़की अभी कहाँ है? मैं नहीं जानता साहब, हमने पूरा शहर ढूंढ लिया, वो पता नहीं कहाँ है। लगता है वो डर के कहीं छिप गई है। नहीं, खैर इससे हमारा वक्त बच गया। मुलजिम ने गुनाह कबूल कर लिया है। इससे पहले कि मैं सजा सुनाऊं, क्या कोर्ट में कोई गवाही देना चाहता है? जी मैं। ठीक है, तो कहो अपनी बात। जी मैं मुलजिम का गार्डियन हूं। मैं मानता हूं कि इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर इसके साथ उस लड़की को भी सजा मिलनी चाहिए इस पर जादू करने के लिए, क्योंकि वो एक चुड़ैल है।
चुड़ैल है? ये एक बहुत बड़ा इल्जाम है, उसे कोर्ट में जवाब देने के लिए पेश होना ही होगा। मैं उसकी गिरफ्तारी का वारंट जारी करता हूँ। कैदी क्वाज़िमोडो, मैं तुम्हें सजा सुनाता हूँ कि पूरे 2 दिन के लिए तुम्हें लोगों के सामने लटका दिया जाए। ले जाओ इसे। नहीं, क्वाज़िमोडो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता। ये सजा के लायक है, ये गुनहगार है, इसने हमारे शहर में आकर मनोचैन भंग किया। मार दिया जाए इसे। देखा तुम्हारे बारे में ये क्या सोचते हैं? अब तुम सबक सीखोगे क्वाज़िमोडो। पानी इसे छोड़ना मत। इसे छोड़ना नहीं चाहिए। सुनो एस्पेराल्डा, क्वाज़िमोडो तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वो बहुत ही मासूम और अच्छा लड़का है। सच में वो जैसा दिखता है उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। उसे सिर्फ बेल की आवाज सुनाई देती है। ओह, ये तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ओह नहीं। पानी पानी नहीं 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 प्लीज क्वाज़िमोडो, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उसके लिए। शुक्रिया एस्मेराल्डा। चलो उठो यहाँ से कुबड़, अब फौरन यहाँ से दफा हो जाओ। चलो उठो, नहीं तो फिर से अंदर डाल दूंगा। ये क्या बेवकूफी है? ला 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 ला। नहाने से बेहतर कुछ नहीं। हाँ, बेल्स फिर से बजी। इस वक्त तो कभी नहीं बजती। लगता है बेल बजाने वाला पागल हो गया है। एस्मेराल्डा, मेरी दोस्त एस्मेराल्डा, मेरी दोस्त सबसे अच्छी सबसे प्यारी एस्मेराल्डा, मेरी दोस्त एस्मेराल्डा सबसे अच्छी। वो जरूर यही कही होगी। वैसे गायब नहीं हो सकती। पक्का वो कोई चुड़ैल ही है। मैं उसे हर हाल में ढूंढ कर ही रहूंगा और उसे जला दूंगा। तभी
मैं उससे आजाद हो पाऊंगा। फ्रोलो, फ्रोलो, क्या मास्क के पीछे तुम ही हो? जी हाँ महाराज, मैं ही हूँ। अच्छा है तुमने मेरी सलाह मान ली। बाहर आकर थोड़ी बहुत मस्ती कर लेनी चाहिए। सिर्फ काम ही काम ने तुम्हें पागल कर दिया है। जी हाँ महाराज, धरती अभी भी गोल है, पता है ना? अच्छा होगा तुम भी मान लो फ्रोलो, दुनिया बदल रही है, हमें भी उसके साथ बदलना होगा, अपने विचार बदलने होंगे। जी हाँ महाराज। मुझे पार्टी बहुत पसंद है, वो देखो फ्रोलो डांसिंग। एस्मेराल्डा, वाह। अजीब है, मैं इस लड़की को जानता हूँ, पर मैंने इसे पहले कहाँ देखा है फ्रोलो? फ्रोलो, बहुत बढ़िया। क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? हाँ बिल्कुल। मेरे ख्याल से ये तुम ही हो ना एस्मेराल्डा? हाँ मैं ही हूँ फीबस। पर तुम्हारी गिरफ्तारी का वारंट निकला है। जानती हूँ। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें यहाँ खतरा है? मैं डांस करके पैसा कमाती हूँ और मुझे तुमसे मिलना था। मुझे लगा कि तुम जरूर यहाँ मिलोगे। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ जब से मैंने तुम्हें पहली बार वहाँ देखा था। ओह फीबस, मैं भी तुम्हें चाहने लगी हूँ। मैं तुम्हारे बारे में ही सोचती रहती हूँ। मैं खतरे में हूँ, वो पूरे शहर में मुझे ढूंढ रहे हैं, मुझे मदद चाहिए। वहाँ है, उसे गिरफ्तार करो और जेल में बंद कर दो। ओह नहीं। चुड़ैल, पकड़ लो इसे। मेरी बात सुनो फ्रोलो, क्या तुम्हें पूरा यकीन है? क्योंकि इतनी सुंदर लड़की चुड़ैल बिल्कुल नहीं हो सकती। मैं जानता हूँ ये चुड़ैल है, खूबसूरती का भेष बना रखा है इसने महाराज। ये इसकी गिरफ्तारी का कोर्ट वारंट है, ले जाओ इसे। नहीं फीबस। एस्मेराल्डा, 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 मेरी दोस्त, प्यारी दोस्त, सबसे अच्छी दोस्त एस्मेराल्डा।
प्यारी एस्मेराल्डा, मेरी दोस्त। नहीं, नहीं, मुझे जाने दो, प्लीज जाने दो। नवाब फ्रोलो, तुम्हारे पास इसे चुड़ैल साबित करने के लिए क्या सबूत हैं? सबसे पहले जज साहब इसने महाराज को पैसे देने के लिए मजबूर किया, फिर इसने एक मासूम को फंसाया और उसे अपना अपहरण करने पर मजबूर किया, और फिर इसने अपने जाल में हमारे गार्ड को फंसाया। महाराज, इसकी ये खूबसूरती सभी को वश में कर लेती है। और मुजरिम को क्या कहना है? मैं नहीं, ये झूठ है। तुम झूठ बोल रही हो। बहुत से लोगों ने देखा जब राजा ने तुम्हें पैसे दिए थे, एक मासूम ने तुम्हारा अपहरण किया जो उसने खुद मेरे सामने कबूल किया, और जब तुम्हें गिरफ्तार किया गया तब तुम हमारे गार्ड के साथ डांस कर रही थी। तुम्हारी खूबसूरती को देखकर मैं समझ सकता हूँ कि नवाब फ्रोलो का मतलब क्या है। मैंने कभी भी इतनी खूबसूरत आंखें और बाल नहीं देखे, सच में। वाह, जज साहब संभाल कर, इसकी तरफ मत देखिएगा। मैं समझ गया तुम्हारा क्या मतलब है नवाब फ्रोलो। सुनो लड़की, तुम मेरे जैसे इंसान के लिए खतरा हो, समाज के लिए खतरा हो। नहीं, मैं तुम्हें सजा देता हूँ। सजाए मौत। मैं तुम्हें ये सजा देता हूँ कि तुम्हें जिंदा जलाया जाए। एस्मेराल्डा, नहीं, प्लीज, नहीं, मैं कोई चुड़ैल नहीं हूँ। एस्मेराल्डा, मैंने तुम्हारे लिए अर्जी डालने की कोशिश की, पर तुम नहीं कर सके क्योंकि जिप्सियों को कोई अधिकार नहीं। मुझे पता है मैं मरने वाली हूँ फीबस, मैं जानती हूँ। तुम हार मत मानो एस्मेराल्डा, मेरे पास एक प्लान है। उन्होंने एस्मेराल्डा को जेल में बंद कर दिया है और उसे सजाए मौत दे रहे हैं। क्वाज़ीमोडो, मुझे माफ कर दो। नहीं, 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 नहीं। मेरी एस्मेराल्डा बेकसूर है, हम कभी हार नहीं मानेंगे। सुनो कैदी, तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर लाया हूं। सच में? वो दो दिन के बाद तुम्हें जलाएंगे नहीं, ये अच्छी खबर है ना? ओह, मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ जेलर। ओह, बल्कि वो तुम्हें कल सुबह ही जलाने वाले हैं। अब तुम्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। फिर भी अगर कोई परेशानी हो तो बताना। चुप रहो।
कैदी, तुमसे यहाँ कोई मिलने आया है। हमने उसे पिछले हफ्ते ही छोड़ा था। तो उसे वापस भेज दूं क्या? नहीं, 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 प्लीज। ओह, क्वासिमोडो, प्यारे प्यारे क्वासिमोडो। क्वासिमोडो, तुम्हारा दोस्त। तुम अब कुछ नहीं कर सकते क्वासिमोडो, पर तुम्हारी दोस्ती मेरे लिए सब कुछ है मेरे दोस्त। पीछे हटो कैदी, तुम मिलने वाले को छू नहीं सकती हो। चलो अब बंदरों का खेल खत्म हुआ, चलो। क्वासिमोडो तुम्हारा दोस्त नहीं है। मेरा मन बहुत अशांत है पादरी, मैं माफी चाहता हूं। हाँ जरूर नवाब फ्रोलो। वो जिप्सी लड़की एस्मेराल्डा वो चुड़ैल नहीं है। पर तुमने तो उसके लिए उसे सजा दिलाई है, लेकिन क्यों? मुझे उससे प्यार हो गया है, पर ये सच्चा प्यार नहीं है। उसकी मौत ही मुझे उससे आजाद कर सकती है। तुम बिल्कुल गलत कह रहे हो। अगर ऐसा किया तो तुम कभी आजाद नहीं होगे। तुम राजा के पास जाओ और कहो कि उसे माफ कर दें। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो फिर मैं भी आपको माफ नहीं कर सकता। अब बस बहुत हुआ, आप जा सकते हैं। वो भाग गए। बेवकूफो, किसी काम के नहीं हो तुम। वो भाग कैसे गए? उस कुबड़ और उसके पक्षियों ने मिलकर उसे छोड़ा लिया। क्या? वो कुबड़? क्वासिमोडो? नहीं, पक्का वो चर्च ही गए होंगे। नहीं, नहीं। शुक्रिया मेरे दोस्त क्वासिमोडो। जेल में थी तुमने मुझे आजाद कराया, भूखी थी तुमने खाना खिलाया और मेरे लिए फूल लाए। मैं कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? क्वासिमोडो और एस्मेराल्डा दोनों दोस्त हैं। मैं चाहता हूं कि आप उस जिप्सी लड़की को चर्च से निकाल देने का हुक्म दें। वो मुजरिम है। मेरी दरख्वास्त है।
नवाब फ्रोलो, जबान संभाल कर बात करो। तुम्हें चर्च में इस तरह की मांग रखने का कोई हक नहीं बनता। उसे फ्रांस की कोर्ट ने सबके सामने जला देने की सजा सुनाई थी। चर्च एक चुड़ैल को पनाह दे रहा है। मैं तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दूंगा। यहाँ इसी कोर्ट का हुक्म चलता है, तुम्हारा नहीं, नवाब फ्रोलो। तो फिर मैं अपना केस राजा के सामने लेकर जाऊंगा, वहीं इसका फैसला करेंगे। जैसे तुम्हारी मर्जी। एक बेकसूर लड़की को सजा मिल रही है, प्लीज आप लोग मेरी मदद कीजिए। ओह हेनरी, ये गलत हो रहा है। हाँ सच कह रही हो। हम कैसे मदद करें? आप लोग इस पर दस्तखत कर दीजिए, ये मेरी आखिरी उम्मीद है। 7 जनवरी 1600 के नए साल के दिन फीबस को पता चला कि एस्मेराल्डा जेल से भाग गई है। उसने राजा के सामने अपनी अर्जी दर्ज की। एक और आदमी था, पादरी जॉन पॉल, वो भी राजा से मिलने के लिए जा रहा था ताकि वो उनसे एस्मेराल्डा को माफ करने के लिए कह सके। और साथ ही दूसरी तरफ एक और आदमी था जो बिल्कुल नहीं चाहता था कि एस्मेराल्डा को माफी मिले। बहुत उम्दा, मुझे मानना पड़ेगा फीबस, ये प्रिंटिंग प्रेस का छपा हुआ बढ़िया पेपर। और ये अर्जी, मुझे अच्छा लगा, पर मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि हमारे पास कोई सबूत नहीं कि वो लड़की चुड़ैल नहीं है। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं महाराज। उस लड़की पर झूठा इल्जाम लगाया गया है। क्या सच में? तुम ये कैसे जानते हो पादरी? मुझे ये कहना तो नहीं चाहिए, पर जिस इंसान ने मुझे ये सच बताया है, अच्छा होगा कि वही आपको सच बताए महाराज। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैंने झूठ बोला था उसे अपनी जिंदगी से बाहर निकालने के लिए, खुद को पागल होने से बचाने के लिए। पागल? तो मैं ये ऐलान करता हूँ फ्रोलो, तुम उस लड़की के प्यार में पागल हो गए हो। प्यार में पागल। तो फैसला हो गया, रॉबर्ट मुझे कलम दे दो। फ्रोलो चला गया है ना? तो अच्छा, इसे नोत्र डेम कैथेड्रल के प्रधान पादरी के पास ले जाओ। उस लड़की की सजा माफ की जाती है, वो चुड़ैल नहीं है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि किसने तुम्हारी सजा माफ की एस्मेराल्डा, पर मैंने तुझे माफ नहीं किया है। तुझे मरना ही होगा चुड़ैल कहीं की, चाहे फिर तुझे मुझे खुद ही मारना पड़े। लूरी दूध की कटोरी, दूध में पताश, मुन्नी कर तमाश। तुझे मरना ही होगा चुड़ैल कहीं की। री ए
Quasimodo. Quasimodo, tumhara dost nahi hai. Gypsy churel. एस्मेराल्डा, ऊपर वाले का शुक्र है कि तुम ठीक हो और अब तुम आजाद भी हो। महाराज ने तुम्हारी सजा माफ कर दी।